या फिर अप्लाइड बायोलॉजी के हिसाब से फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि ग्लूकोज का एनोरोबिक कंडीशन के अंदर टूटना, मीन्स ग्लाइकोलिसिस अंडर एनोरोबिक कंडीशन इज नोन एज फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस अंडर एन एरोबिक कंडीशन इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब एनएरोबिक कंडीशन में क्यों करवा क्या क्या हो रहा होता है ये चीज़ देखो। देखो एरोबिक कंडीशन हो चाहे एनएरोबिक कंडीशन हो, ग्लूकोज जो होता है वो लास्ट में जाके दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। और जब ग्लूकोज दो पाइरुवेट में टूटता है तो हमको टोटल दो एटीपी का गेन होता है। तो दो एडीपी से लेकर दो एटीपी का गेन हो रहा है ना, टोटल बनते तो चार एटीपी है लेकिन दो एटीपी हम लोग को लगाना पड़ता है, इसीलिए टोटल जो गेन होता है दो एटीपी का होता है। दो एटीपी के गेन के अलावा एक और चीज गेन हो रहा होता है, वो है एनएडीएच। एनएडी से एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा। और कितने एनएडीएच बनते हैं? दो ही एनएडीएच ही बनते हैं। अब सिंपल सा बात यह है कि देखो एटीपी बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुमको ग्लाइकोलिसिस चलाना है तो तुमको एनएडीएच को यूज करना पड़ेगा और एनएडी को क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा, तब जाके फिर से ग्लाइकोलिसिस चल सकती है। अगर ये हो गया कि एक बार ग्लाइकोलिसिस चली और ये जो एनएडीएच बना, ये एनएडीएच तुम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हो और एनएडी को रिसाइकल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर से ग्लाइकोलिसिस नहीं चल सकती। तो फिर से ग्लाइकोलिसिस चले इसके लिए ये जरूरी है कि एनएडीएच को तुम यूज करो। तो हो ये सकता है कि यहाँ पे जो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, जैसे लैक्टेट एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या काम करेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज? तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ से एनएडीएच को यूज करेगा, वापस एनएडी बनाएगा और ये एनएडी वापस क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। और ये कंडीशन तब होगी जब ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो देखो ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस को जब वापस चलाना है हम लोग को, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एनएडी को रिसाइकल करना पड़ता है। और जब तक एनएडी रिसाइकल नहीं होगा, ग्लाइकोलिसिस फिर से स्टार्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए एनएडी को रिसाइकल करने के लिए एनरोबिक कंडीशन में हम लोग पाइरुवेट को आगे और दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है तुम्हारा फर्मेंटेशन बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से। लेकिन वहीं पे समझो, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता तब क्या होता? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता तब कैसे हम लोग एनएडीएच को यूज करते हैं और एनएडीएच यूज होने के बाद वापस एनएडी में रिसाइकल होता? तो इफ ऑक्सीजन वा प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज दो पाइरुवेट में टूटेगा, ग्लाइकोलिसिस होगी। सेम वही फायदा तुमको दिख रहा होगा, दो एडीपी से दो एटीपी का फायदा, दो एनएडी से दो एनएडीएच का फायदा। अब तुमको ग्लाइकोलिसिस फिर से चलाना है तो एनएडी रिसाइकल करो। उसके लिए तुमने क्या किया, इस पाइरुवेट को कन्वर्ट कर दिया एसिटिल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए गया टीसीए साइकिल में, और टीसीए साइकिल से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। साथ ही साथ गेन क्या क्या हुआ, यहाँ पे भी जो गेन होता है वो होता है एनएडीएच का
और FADH2 का ATP भी बनता है। एक ATP बनता है, तीन NADH बनते हैं, दो FADH2 बनते हैं। अब फिर से तुमको ग्लाइकोलिसिस चलाना है तो NADH को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, NAD में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये NADH जो है वो क्या होता है, तो वो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH को यूज करके उसको वापस किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, NAD में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ से जो NAD है वो NAD वापस कहाँ यूज किया जा सकता है, TCA साइकिल में यूज किया जा सकता है, या तो फिर वापस ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में यूज किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये सब जो ग्लाइकोलिसिस के आगे के पाथवे चल रहे होते हैं उसका काम होता है एनर्जी का सिंथेसिस करना, लेकिन लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, उस एनर्जी को यूज करके NAD को रिसाइकल करना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा क्या हो सकता है, ग्लाइकोलिसिस फिर से चल सकती है। लेकिन जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है उस केस में ग्लाइकोलिसिस अलग तरीके से चल रही होती है, मतलब सॉरी ग्लाइकोलिसिस तो वैसे ही चल रही होती है, ग्लाइकोलिसिस के आगे के स्टेप्स अलग होते हैं। जबकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उस टाइम पे ग्लाइकोलिसिस के आगे के स्टेप्स डिफरेंट होते हैं। तो अब फर्मेंटेशन तो समझ में आ गया। अब फर्मेंटेशन कई तरीके के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर इंड प्रोडक्ट ओनली और ओनली लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसको कहा जाता है होमो लैक्टेट फर्मेंटेशन। सर टीसीए साइकिल को भी चलाने के लिए एनएडी क्या हो सकता है? हाँ टीसीए साइकिल में ही तो एनएडी को यूज करके हम एनएडीएच बनाएंगे, उसको चलाने के लिए नहीं, उसमें प्रोड्यूस होता है लेकिन फिर से रिसाइकल हो सकता है उस पाथवे से। वो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में भी तो एनएडी चाहिए होगा। हाँ उसको चलाने के लिए तो एनएडी चाहिए ही चाहिए, वो नहीं रहेगा तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगा ही। तो दोनों एटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही लाते हैं एनएडी। हाँ उसके एनएडी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलीज होता है वहां से यूज हो सकता, रिसाइकल हो सकता। ठीक है तो फिर चलो टाइप्स देख लेते हैं फर्मेंटेशन के और किसके बेसिस पे देख रहे हैं हम लोग इंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर इंड प्रोडक्ट ओनली लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड के बारे में पता है कि लैक्टिक एसिड जो है pH 7 के ऊपर अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा और लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंड प्रोडक्ट अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो उसको होमोलैक्टेट प्रोडक्शन कहा जाएगा। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि होमोलैक्टेट प्रोडक्शन या फिर होमोलैक्टेट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि लैक्टो बैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है वो होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन कर सकते हैं। दूसरे तरीके का फर्मेंटेशन है उसको कहा जाता है हेटरोलैक्टिक। अब हेट्रोलैक्टिक में क्या है, लैक्टिक एसिड तो बनेगा लेकिन उसके अलावा और भी कोई दूसरा प्रोडक्ट हो सकता,
लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड हो सकता है। तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? या तो लैक्टेट हो सकता है या तो फिर एसिटेट हो सकता है। तो इसको बोल देंगे हम लोग हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन। इसका एग्जाम्पल निकल के आता है लैक्टो बेसिलस ब्रेविस। तो ये सी समझ में आ गया, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन और हेटरोलैक्टिक फर्मेंटेशन। तो अब नेक्स्ट फर्मेंटेशन का टाइप जो है वो हो सकता है इथेनोलिक फर्मेंटेशन। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि एंड प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे एथेनॉल होगा। अब बस ये तुमको समझना है एथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस चलती है, उससे बनता है पायरुवेट। पायरुवेट से क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड बनता है। और एसिटाल्डिहाइड से क्या बन जाता है? इथेनॉल बन जाता है। रिसाइकलिंग कहाँ पे होती है? तो एनएडी का यूज करके एनएडीएच यहाँ पे तो बनेगा, लेकिन ये एनएडीएच लास्ट स्टेप में क्या किया जाएगा? वापस यूज किया जाएगा और एनएडी बनाया जाएगा, और ये एनएडी वापस रिसाइकल हो सकता है। एंजाइम कौन सा काम करेगा? तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो इथेनॉल का फर्मेंटेशन हो सकता है। एग्जाम्पल कौन कौन है? एक तो है ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सिरिबिसिया। ईस्ट के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि जाइगोमोनॉस। ये भी क्या कर सकता है? इथेनॉलिक फर्मेंटेशन करा सकता है। तो दिस इज एथेनॉलिक फर्मेंटेशन। कुछ फर्मेंटेशन है जिसको कहा जाता है मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन का मतलब है कि एंड प्रोडक्ट में कई सारे क्या हो सकते हैं? एसिड हो सकते हैं। एसिड्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्चिरिचिया कोलाई। अब ये स्चिरिचिया कोलाई जो है वो फॉर्मिक एसिड भी बना सकता है, जो प्रोटॉन त्याग करके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड भी बना सकता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल का भी प्रोडक्शन कर सकता है और एसिटेट का भी प्रोडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कई तरीके के एसिड्स का फॉर्मेशन हो गया है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसके अलावा इथेनॉल। तो ये इस तरीके का फर्मेंटेशन जो है वो क्या कहलाता है? मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन कहलाता है।
मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन सर एक क्या है? बार स्लाइड ऊपर करिए। हो गया। जी सर। चलो तो अब एसिड प्रो एसिड वाला फर्मेंटेशन कराते हैं। एसिड फर्मेंटेशन का मतलब यह है कि एंड प्रोडक्ट जो होगा वो कोई एसिड होगा। सर हाँ इक्वलाइज से फॉर्मेट और लैक्टोड एथेनॉल ये सब सर डायरेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा सर? सेम वही पाथवे को फॉलो करते हुए डिफरेंट डिफरेंट पाथवे चलेंगे। तो फॉर्मेट के लिए अलग पाथवे चल सकता है, लैक्टेट के लिए वही लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज काम कर सकता है, एसिटेट के लिए ग्लाइकोलिसिस के आगे एसिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट पाथवे चलेंगे, एक ही पाथवे से नहीं बनेगा, इसीलिए वहाँ पे अलग अलग तरीके के एसिड्स बन रहे हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के बाद डिफरेंट डिफरेंट पाथवे हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं। अब एसिड फर्मेंटेशन में कुछ इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं, जैसे कि 2,3-ब्यूटा डाइओल, ब्यूटेन डाइओल, 2,3-ब्यूटेन डाइओल। कौन कौन से बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करवा सकते हैं इसका? तो इर्विनिया, इसके अलावा एंटेरोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर के अलावा क्लेबसिएला, ये सब 2,3-ब्यूटेन डाइओल का फर्मेंटेशन करा सकते हैं। ब्यूटायरिक एसिड, तो ब्यूटायरिक एसिड का फर्मेंटेशन करवाया जा सकता है क्लोस्ट्रिडियम के द्वारा। और प्रोपियोनिक एसिड जो होता है उसका फर्मेंटेशन कराया जाता है प्रोपेनोबैक्टर के द्वारा। इस तरीके से एसिड का फर्मेंटेशन हो जाता है अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा। और ऐसे माइक्रोब्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये लोग क्या कहलाते हैं? इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब ये इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ पर कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम लोग इसका इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ कर्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जो ग्रोथ कर्व जो होता है वो सेमी लॉग होता है। सेमी लॉग, सेमी लॉग क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम रहता है और यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो लॉग में रहते हैं। ग्राफ में तुमको ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ लॉग में नंबर ऑफ सेल्स लिया है हमने, दूसरी तरफ टाइम जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक एक्सिस के ऊपर लॉग है, एक एक्सिस के ऊपर नॉर्मल डाटा है, इसीलिए इसको सेमी लॉग ग्रोथ कर्व बोल सकते। अब यहाँ पे समझो, समझने लायक बात यह है कि जब भी किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मीडिया में स्टेबल होने के लिए कुछ टाइम लेते हैं। इस टाइम को कहा जाता है लैग फेज। और एक बार जब वो लोग स्टेबल हो जाते हैं तो वो अपना नंबर क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं।
फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब वो लोग अपना पॉपुलेशन मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ को तुम चाहो तो तीन हिस्सों में बांट सकते हो। एक हिस्सा लैग फेज, एक हिस्सा एक्सपोनेंशियल फेज जिसको लॉग फेज भी कहा जाता है, और एक हिस्सा होता है स्टेशनरी फेज। तीन फेज हैं यहाँ पे। एक्सपोनेंशियल फेज के बारे में जानने लायक बात यह है कि यहाँ पे बर्थ रेट जो होता है वो डेथ रेट से बहुत ज्यादा होता है, और बर्थ रेट डेथ रेट से बहुत ज्यादा होने के कारण पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, और पॉपुलेशन में इंक्रीज जो है वो लॉगरिथमिक है। वहीं पे स्टेशनरी फेज में क्या हो जाता है, बर्थ इज इक्वल्स टू डेथ। इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन में जितना बर्थ हो रहा है उतना डेथ हो जा रहा है, इसीलिए पॉपुलेशन का नंबर क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसके बाद चाहो तो तुम ग्राफ को और आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन अब जो है वो डेथ कंडीशन आना स्टार्ट हो जाएगी, डेथ फेज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेथ फेज जैसे ही आएगा वहां पे डेथ रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बर्थ रेट से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होने लग जाएगा, और पॉपुलेशन में डिक्लाइन भी जो है वो तेजी से आना स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा ये भी चीज समझना है कि एक्सपोनेंशियल फेज इज नोन एज ट्रोपोफेज। जबकि स्टेशनरी फेज इज नोन एज इडियोफेज। तो ये हुआ तुम्हारे ग्रोथ कर्व की बात, रेड कलर से जिसको हम लोग दिखाए हैं ये ग्रोथ कर्व है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और होता है, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। अब न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन कैसे होता है, तो मान के चलो ये जो ब्लू कलर से हम लोग बना रहे हैं ये न्यूट्रिएंट का कर्व है। ये न्यूट्रिएंट का कर्व है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है बैक्टीरिया का, वैसे वैसे मीडिया में से न्यूट्रिएंट भी क्या होते जाते हैं, डिप्लीट होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि 100% न्यूट्रिएंट को कभी भी यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब ये ग्राफ कभी भी पूरा नीचे जाके नहीं सटेगा। 100% न्यूट्रिएंट्स कभी भी यूटिलाइज नहीं किए जा सकते हैं। तुम मीडिया को कितना भी अच्छा रखो, उस मीडिया में से कुछ हिस्सा जो है वो यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको ख़त्म होने से पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मीडिया का कुछ हिस्सा जो है वो बचा ही रह जाएगा। तुम चाहो तो उसको रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन उसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का अमाउंट ज़्यादा होगा, इसीलिए इससे अच्छा है कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। ये न्यूट्रिएंट का बात हो गया। अब एक चीज होती है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और एक चीज होती है जिसको कहा जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं कौन से फेज में, ट्रोपोफेज में। तो दिस इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का कर्व। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट हो सकता है एमिनो एसिड, विटामिन्स, एमिनो एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का नंबर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फेज इज नोन एज ट्रोपोफेज। तो मैक्सिमम ऑफ द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो कब बन जाएंगे, तुम्हारे ट्रोपोफेज के दौरान बन जाएंगे। लेकिन एक चीज होती है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या आ जाएंगे? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा दूसरे चीजें भी हो सकती हैं, तो वो उसका प्रोडक्शन सबसे, देखो उसका प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब माइक्रोब्स होंगे ईडियोफेज में। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ग्राफ है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन सबसे मैक्सिमम कब होता है? जब माइक्रोब्स जो होते हैं कौन से फेज में होते हैं? ईडियोफेज में होते हैं या फिर स्टेशनरी फेज में होते हैं। पहले उनका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा होता जब तक एक्सपोनेंशियल फेज होता है। एक्सपोनेंशियल फेज के बाद जब स्टेशनरी फेज आता है तब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इतने सारे कर्व बनते हैं यहाँ पे। इट इज द ग्रोथ कर्व ऑफ द इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे माइक्रोब जो लैब में कल्चर किए जा रहे हैं उनके लिए ये वाला कर्व देखने को मिलता। फिर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रोथ का इक्वेशन क्या होगा। हाँ एक चीज और यहाँ पे कि देखो माइक्रोब्स जितना क्या होंगे, देखो जब माइक्रोब्स को फर्स्ट टाइम कल्चर कर रहे होगे ना तो उस टाइम पे लैग फेज जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जब माइक्रोब्स की सब कल्चरिंग कर रहे होते, मतलब मीडिया से ही निकाल के हम लोग सब कल्चरिंग करेंगे और मीडिया ऑप्टिमल है और माइक्रोब्स को कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करना पड़ रहा, उस केस में लैग फेज का जो अमाउंट है वो कम किया जा सकता है। तो लैग फेज अमाउंट कैन बी रिड्यूस्ड अगर जो मीडिया है वो अच्छे तरीके से क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है और माइक्रोब्स अगर सब कल्चरिंग हो रहे हैं तब। और दूसरी बात तुमसे ये पूछ लिया जाए कि सेल डिवीजन के बाद माइक्रोब्स का नंबर कितना होगा, तो 2 to the power n लगा के तुम क्या कर सकते हो, नंबर बता सकते हो। तो नंबर ऑफ माइक्रोब्स आफ्टर n नंबर ऑफ डिवीजन्स वो निकल के आता है 2 to the power n। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ डिवीजन। जैसे तुमसे पूछ लिया जाए कि शुरू में एक माइक्रोब्स था, शुरू में इनिशियल नंबर का भी गुणा करना होता है, ठीक है। शुरू में अगर एक माइक्रोब है और पूछ लिया जाए आफ्टर 4 rounds ऑफ डिवीजन कितने माइक्रोब होंगे, तो तुम ये वाला फॉर्मूला एकदम आराम से लगा सकते हो। इनिशियली एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है 2 bacteria, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एन का मतलब टाइम, कितना बार डिवीजन हुआ, तो 2 to the power 4 सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सर यहाँ पे जो वो एन है नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, एन नंबर ऑफ डिवीजन। ये वाला फॉर्मूला यूज करके तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अपना इक्वेशन। यहीं पे तुमसे पूछ लिया जाता है कि शुरू में 10 microbes हैं, 5 rounds ऑफ डिवीजन के बाद कितने microbes हो जाएंगे।
10 माइक्रोब्स हैं, 5 राउंड ऑफ डिवीजन के बाद कितने माइक्रोब्स हो जाएंगे? एक लाख 1 लाख सच्ची 20 फॉर्मूला यूज करो तो 320 आएगा, जनरल नॉलेज यूज करो तो भी उसी के टाइप का कुछ आएगा। 5 राउंड ऑफ डिवीजन करना है। फॉर्मूला भी यूज करोगे तो 10 × 2^5, 2^2 हो जाता है 32 × 10 = आ जाएगा 320। जो भी फॉर्मूला, जो भी चीज चाहो तुम यूज कर सकते हो। तो फिर एक क्वेश्चन कर लो यहीं पे फटाक से, बिना आंसर दिखाए। स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉब्लम। इफ वन स्टार्ट्स विथ 10,000 सेल्स इन द कल्चर, दैट हैज अ जनरेशन टाइम ऑफ 2 आवर्स, हाउ मैनी सेल विल बी इन द कल्चर आफ्टर 4, 24 एंड 48 आवर्स? सर थोड़ा जूम कर दीजिए। सर इसमें आर को जो होता है वो क्या बोलते हैं, साइकिल लेंगे मतलब नंबर ऑफ डिवीजन। नहीं, 2 आवर में एक बार डिवाइड हो रहा है ऐसा कह रहा है, तो आवर को नंबर ऑफ डिवीजन नहीं लेंगे। 2 आवर में एक बार हो रहा है तो फिर नीचे तुम कॉमन सेंस लगाओगे कि 2 आवर में एक बार हो रहा है तो 4 में कितना बार होगा, 24 में कितना बार होगा, 48 में कितना बार होगा, तो एन तुम्हारा निकल जाएगा। तो सर 48 में मतलब 28 बार वो होगा, बार डिवीजन करेगा। कैसे कैलकुलेट किए थोड़ा सा बताओ। सर एक मतलब एक से बार में 2 आवर लगता है, तो 48/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 48/2? 28। अच्छा 28 × 56 होता है। सॉरी, तो यार अच्छा 14 14, सॉरी 14 × 28 होता है। तो 24 × 48 होता है। हाँ 2 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? 1 राउंड मतलब डबल हो जाएगा उसका। 4 घंटे के बाद सर इसमें 10,000 सेल एक बार में हो रहे हैं ना, ले रहे हैं। कुछ लिख लिए होंगे। बताओ जल्दी बताओ, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। पूरा चीज को सॉल्व किया जाए जरूरी नहीं है।
सर जो 4 घंटा में है उसमें 20,000, 24 घंटा में 60,000 दिखा रहा है, और 48 घंटा में 1,20,000। देखो सिंपल सा बात समझना है, 2 घंटा में एक बार डिवाइड हो रहा है तो 4 घंटा में 2 बार डिवाइड होगा, तो 4 घंटा में जब 2 बार डिवाइड होगा तो 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000 हो जाएगा। 4 × 10⁴, 4 घंटा के बाद 24 घंटा में कितना बार डिवाइड होगा, 12 बार डिवाइड होगा। 12 बार डिवाइड होगा मतलब 2 to the power में 12 हो जाएगा और 10 to the power में 4 ही रहेगा। उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। और 48 घंटा में 24 बार डिवाइड करेगा तो 2 to the power 24, और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज देखने को मिलेगा तुमको तब जब तुम क्या कर रहे होगे, सेल का कल्चर करा रहे होगे। तो ये जनरेशन टाइम निकल के आ जाएगा। जनरेशन टाइम कैसे निकाल सकते हो, तो अगर तुमको दिया हुआ हो टाइम और पूछा हुआ कितने घंटे के बाद, तो फिर तुमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 2 घंटा में एक बार डिवाइड होता है तो 4 घंटा में 2 बार डिवाइड होगा, 12 घंटा में 6 बार डिवाइड होगा, 24 घंटा में 12 बार डिवाइड होगा, 48 घंटा में 24 बार डिवाइड होगा। तो सर, फॉर्मूला, हाँ जो 10,000 है उसका 2 बार डिवाइड होगा तो 20,000 होगा। 10,000 एक बार डिवाइड होगा तब 20,000 होगा। 10,000 लोग डिवाइड किए, एक सेल से दो बनेगा तो 10,000 सेल एक बार डिवाइड होकर कितना बनाएंगे, जी 20। 20,000 बनाए। और 20,000 लोग एक बार और डिवाइड करेंगे तो जी 40,000। अब आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज के दौरान ग्रोथ रेट क्या होता है। तो फॉर्मूला लिख लेना, ग्रोथ रेट ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज, ग्रोथ रेट ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज। और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू म्यू एक्स, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू म्यू एक्स। यहाँ पे x का मतलब लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल और मास ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल और मास ऑफ सेल। या तो सेल का नंबर की बात कर लो या फिर सेल के मास की बात करो, क्योंकि नंबर बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टी जो है यहाँ पे टाइम है, म्यू जो है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। बस इतना सा चीज है। बात समझ में आया? अब तुम चाहो तो इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सुधार मतलब इंटीग्रेट सर एक कर। बार फॉर्मूला फिर से बताइए ना थोड़ा। dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू म्यू एक्स, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू म्यू एक्स। क्या dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू म्यू एक्स का मतलब क्या निकल के आता है, ये समझो पहले तुम। यहाँ पे हम लोग ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, और कौन से दौरान, ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज के दौरान। तो निकल के आ रहा है dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू म्यू एक्स। डीएक्स क्या है, चेंज इन नंबर या फिर मास। सॉरी, डीएक्स अपॉन डीटी है। डीटी का मतलब क्या निकल के आ रहा है, चेंज इन टाइम। म्यू का मतलब पता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। और एक्स पता ही है तुम्हारा, नंबर है, नंबर है या फिर मास।
इस फॉर्मूला को यूज कैसे कर सकते हो? तो कई तरीकों से यूज किया जा सकता है उसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे दे सकता, अच्छा चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस फॉर्मूला को तुम लोग और रीअरेंज कर सकते हो, कैसे? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल्स टू म्यू एक्स इंटू एक्स, म्यू इंटू एक्स। इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हो? रीअरेंज कर सकते हो, क्योंकि डी का मतलब होता है चेंज, और चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब तुमसे पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ सकता है कि इनिशियल पॉपुलेशन जो था वो था मान के चलो 1000 बैक्टीरिया का, फाइनली बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जो है वो इतना हो गया, और इतना होने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा मान के चलो 5 आवर्स। तो बताओ व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ, इनिशियली 1000 बैक्टीरिया थे, वो फाइनली डिवाइड होके पहुंच गए 1,28,000 बैक्टीरिया के ऊपर, और इतना होने में 5 घंटा का टाइम लगा, तो व्हाट इज म्यू? सर मेरा 25,400 है। म्यू यार, वो जो फाइनल और इनिशियल वाला फॉर्मूला लिखे थे उसी से ना बनेगा। कितना आया? सर तो एक बार फिर से क्वेश्चन बोलते ना, नहीं हो पाया था। सर एक बात बताइए, टाइम इनिशियल टाइम नहीं बोला है, मतलब 0 होगा ना? बिल्कुल ओके। क्वेश्चन ये था कि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन 1000 था, 1000 से 1,28,000 पहुंचने में उसको 5 घंटा लगा,
तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालना था। सर 2540 आएगा क्या? सर मेरा 2540 आया है। तुमसे पूछा वो म्यू की वैल्यू, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेम है। यही है ना क्वेश्चन, कितना आएगा? वहां 1,000 कैसे गए मतलब? एन एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो दिया हुआ है। समझ में आया? कैसे आया? तो जी एक्सपोनेंशियल फेज के दौरान ये चीज तुमको देखने को मिलेगा। यस सर। इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, लिखो एल एन एक्स इज इक्वल्स टू म्यू टी, एल एन एक्स इज इक्वल्स टू म्यू टी प्लस एल एन एक्स जीरो। एल एन एक्स इज इक्वल्स टू म्यू टी प्लस एल एन एक्स जीरो। या फिर सेम इसी फॉर्मूला को कैसे लिखा जा सकता है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जीरो ई के पावर में म्यू टी, ई के पावर में म्यू टी लिखा जा सकता है। अब एक चीज समझो, क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू एक्स जीरो ई के पावर में म्यू टी, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एल एन एक्स इज इक्वल्स टू म्यू टी प्लस एल एन एक्स जीरो। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये दोनों फॉर्मूला भी एक्सपोनेंशियल फेज के लिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है फॉर डबलिंग, तो यहां पे एक्स का मतलब क्या है, फाइनल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। एक्स जीरो का मतलब क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन।
एक्स जो है वो फाइनल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, एक्स जीरो जो है वो क्या है तुम्हारा इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, म्यू जो है वो ग्रोथ रेट है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, और टी जो है वो टाइम है। मान लो तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डबलिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, तो डबलिंग का मतलब क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स जीरो इज इक्वल्स टू टू, डबलिंग का मतलब तो यही होता है ना कि इनिशियल से जब फाइनल को भाग दो तो दो आना चाहिए, उसी को तो डबलिंग बोलेंगे हम लोग। तो डबलिंग के लिए जो टाइम लगे जो चीज लगेगा वो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स जीरो इज इक्वल्स टू टू। तो इसी फॉर्मूला को अगर तुम रीअरेंज करो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर में म्यू टी एक्स अपॉन एक्स जीरो, डबलिंग के लिए दो आएगा तो टू इज इक्वल्स टू ई के पावर में म्यू टी आ जाएगा। तो डबलिंग के लिए फॉर्मूला हो जाता है ये e के पावर में म्यू टी का मतलब टू। तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डबलिंग के लिए जो टाइम है वो क्या लगे, और एक्सपोनेंशियल फेज के लिए ये दोनों फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। और ये दोनों फॉर्मूला इकोलॉजी में पूछा भी जा चुका है क्योंकि इकोलॉजी में भी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो तुम लोग को एक्सपोनेंशियल फेज के लिए या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए तीन फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू म्यू एन। दूसरा क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जीरो ई के पावर में म्यू टी। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, एल एन एक्स इज इक्वल्स टू म्यू टी प्लस एल एन एक्स जीरो। और यहीं पे डबलिंग के लिए जो फॉर्मूला है वो डबलिंग के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डबलिंग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा e के पावर में म्यू टी इज इक्वल्स टू टू। समझ में आ गया। ये तीन चार चीजें जो है वो एक्सपोनेंशियल फेज के दौरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब आ जाओ स्टेशनरी फेज पे ग्रोथ के लिए। अब स्टेशनरी फेज पे क्या हो रहा है, स्टेशनरी फेज पे फाइनल और इनिशियल नंबर का पॉपुलेशन को जब क्या करोगे माइनस करोगे तो आ जाएगा जीरो, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, जितना बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ हो रहा है। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो लिख लेना ग्रोथ रेट एट स्टेशनरी फेज, इसका मतलब है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। अब आ जाओ डेथ फेज पे, तो ग्रोथ रेट इज इक्वल इन डेथ फेज लिखना, ग्रोथ रेट इन डेथ फेज। अब ग्रोथ रेट इन डेथ फेज, तो डेथ फेज में हो क्या रहा है, डेथ फेज में डेथ का नंबर ज्यादा हो रहा है और बर्थ का नंबर कम होते जा रहा है, तो वहां पे ग्रोथ कैसे आएगा, तो ग्रोथ आएगा निगेटिव। तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स, और के डी का मतलब है स्पेसिफिक डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट। जितना ज्यादा डेथ रेट होगा उतना जल्दी जल्दी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स। ये हो गया तुम्हारा डेथ फेज के दौरान ग्रोथ रेट। अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूला को, नेक्स्ट लिखना इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन ग्रोथ।
रिप्रेजेंटेड बाय मोनोड इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड बाय मोनोड इक्वेशन, मोनोड इक्वेशन के बारे में अगर तुम लोग एंजाइमोलॉजी कभी किसी जमाने में पढ़े होगे तो ये वही इक्वेशन है जो मिसेलसन, सॉरी मिसेलसन चल नहीं, मैकेलिस एंड मेंटन इक्वेशन है। मोनोड इक्वेशन इज ऑल्सो मैकेलिस एंड मेंटन इक्वेशन। क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स इन टू एस प्लस में के एस प्लस एस। इस चीज को लिखते रहो, ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लिख लिया सर, फॉर्मूला हुआ है। फॉर्मूला के नीचे म्यू का मतलब लिख लेना स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, म्यू मतलब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, म्यू मैक्स का मतलब मैक्सिमम ग्रोथ रेट, एस का मतलब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और के एस का मतलब लिख लेना हाफ सेचुरेशन कॉन्स्टेंट, ऑल्सो नोन एज एफिनिटी कॉन्स्टेंट, हाफ सेचुरेशन कॉन्स्टेंट और एफिनिटी कॉन्स्टेंट। अब इसमें दो कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट कौन सा है? एक तो म्यू एस म्यू मैक्स है, वो भी कांस्टेंट होता है, और के एस जो है वो भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो लिख लेना इन दिस फॉर्मूला देयर आर टू कांस्टेंट, इन दिस फॉर्मूला देयर आर टू कांस्टेंट, फर्स्ट म्यू मैक्स, दूसरा के एस। अब के एस का वैल्यू कैसे निकालोगे? सर एक बार फिर से बोलिएगा। हाँ लिखो, देयर आर टू कॉन्स्टेंट, देयर आर टू कॉन्स्टेंट, पहला म्यू मैक्स, म्यू मैक्स, और दूसरा है के एस, एफिनिटी कॉन्स्टेंट। अब एफिनिटी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे तो वो चीज समझना स्टार्ट करो। तो के एस क्या है? तो लिखना के एस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, के एस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन विच हाफ ऑफ म्यू मैक्स, हाफ ऑफ म्यू मैक्स कैन अचीव्ड, हाफ ऑफ म्यू मैक्स कैन अचीव्ड। म्यू मैक्स कैन अचीव्ड। अब इसका मतलब यह है कि अगर तुम के एस की बात कर रहे हो और के एस निकालना चाहते हैं, जिसको हाफ सेचुरेशन पॉइंट बोले हैं, हाफ सेचुरेशन कॉन्स्टेंट बोले हैं, तो यहाँ पे दो चीज है। पहला चीज तो क्या है? म्यू मैक्स, म्यू मैक्स मतलब मैक्सिमम ग्रोथ रेट। तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट कभी ना कभी आएगी, तो जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है उसका आधा ग्रोथ रेट को देखो। अगर मैक्सिमम ग्रोथ रेट 10 है तो उसका आधा हो जाएगा 5। तो आधा ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए कितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है, वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ही जो है वो क्या निकल के आएगा तुम्हारा? केएस की वैल्यू निकल के आएगा, हाफ सेचुरेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगा, जिसको एफिनिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब इसी मोनोड
मोनोड इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेल मास के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो सेल मास के हिसाब से जब लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे dx अपॉन dt हो जाएगा ऊपर में, मतलब सीधा सीधा बात है कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एक्स हो जाएगा अपॉन में ks प्लस s ही रहेगा। तो लिख लेना मोनोड इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ सेल नंबर ऑफ सेल मास और सेल मास, मोनोड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सेल नंबर और सेल मास, मोनोड इक्वेशन इन द टर्म ऑफ सेल नंबर और सेल मास। dx upon dt is equals to म्यू मैक्स एस एक्स अपॉन में के एस प्लस एस। सर सेल नंबर और सेल मास के अकॉर्डिंग, हाँ सेल नंबर या फिर सेल मास जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किए हम लोग यहाँ पे, जिसको x से रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे, जो x है ना वो सेल नंबर या फिर सेल मास ही है। ये फॉर्मूला पर बात कर रहा हूँ। अब इसमें ये चीज है देखो, अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के एस से ज्यादा है तो तुम्हारा म्यू जो है वो म्यू मैक्स के बराबर पहुंच जाएगा। ये चीज लिख लेना, अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो के एस से बहुत बड़ा है तो उस केस में म्यू जो है इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स हो जाएगा। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लार्ज देन द के एस वैल्यू so the mu is equals to mu max। और ये फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, अगर बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर करवा रहे हैं तो कल्चर दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है कंटिन्यूअस कल्चर और एक हो सकता है बैच कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर और बैच कल्चर में अंतर ये होता है कि बैच कल्चर में मीडियम एक ही बार दिया जाता है और उसको क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर में मीडियम हमेशा टाइम हर एक टाइम इंटरवल पे दिया जाता है और हर एक टाइम इंटरवल पर देने के बाद क्या किया जाता है, मीडिया वहां पे नया आते जाता है और माइक्रोब्स ग्रोथ करते जाते हैं, तो वहां पे ग्रोथ रेट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है तो लिखना, लिखना इन ए कीमोस्टेट कंटिन्यूअस कल्चर, इन ए कीमोस्टेट कंटिन्यूअस कल्चर मीडिया अंडरगोस कॉन्स्टेंट डाइल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू सेल्स।
कॉन्स्टेंट डाइल्यूशन, कॉन्स्टेंट डाइल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू सेल ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. मतलब अगर इस चीज को मैं सिंपलीफाई करके बोलूं तो सिंपल सा चीज समझो. मान लो यहां पे कंटिन्यूअस कल्चर चल रहा है, ये है फर्मेंटर. फर्मेंटर में कंटिन्यूअसली तुम मीडिया को इजेक्ट करते जा रहे हो, इधर से मीडिया आ रहा है, इधर से प्रोडक्ट तुम रिलीज करवाते जा रहे हो. लेकिन जैसे जैसे मीडिया अंदर आएगा, यहाँ पे मान के चलो सेल है, सेल्स हैं. अब जब मीडिया पहला बार हमने इजेक्ट किया, मीडिया जब हमने पहली बार इजेक्ट किया, उसके बाद सेल्स अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे. लेकिन जब हम लोग मीडिया को दूसरी बार इजेक्ट करेंगे तो सेल का पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा. तो हर बार क्या होगा, जितनी बार तुम मीडिया को डालोगे उतनी बार क्या होता जाएगा, यहाँ पे डाइल्यूशन देखने को मिलेगा. और जितना बार डाइल्यूशन देखने को मिलेगा उतना बार ग्रोथ रेट कम होता जाएगा, और ग्रोथ रेट कम होगा कितना कम होगा, जितना तुम डाइल्यूशन करोगे. तो ये है तुम्हारा जो ग्रोथ रेट में कमी आएगी वो. तो यहाँ पे लिख लेना, सो द ग्रोथ रेट विल बी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू म्यू एक्स माइनस डी एक्स बाकी सब कुछ तो समझ में आ रहा है. डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू म्यू एक्स, एक्सपोनेंशियल फेज पे ग्रोथ रेट था, लेकिन जैसे ही तुम डाइल्यूशन कर दोगे तो फिर तुम्हारा डाइल्यूशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगा. इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, dx को घटा दिए. समझ में आया बात? तो dx अपॉन dt माइनस इज इक्वल्स टू म्यू एक्स माइनस डी एक्स. डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डाइल्यूशन रेट है, बाकी सब कुछ वही है सेम. x सर कीमोस्टेट मीडिया एक तरफ से डाल रहे हैं एक तरफ से ड्रेन हो रहा है, उसी को बोलते हैं. हाँ हाँ, कीमोस्टेट का मतलब अंदर में कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं हम लोग केमिकल्स का. अब इसी चीज में मैं अगर बोल दूं कि म्यू का वैल्यू डी की वैल्यू के बराबर होगा तो तुम फॉर्मूला में रख के देख सकते हो क्या होगा. देखो एक्स एक्स तो सेम है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स सेम है, चेंज होगा म्यू और डी. तो म्यू एक्स और डी एक्स का वैल्यू अगर सेम होगा तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा, म्यू एक्स डी एक्स दोनों को घटाओगे आ जाएगा जीरो. तो म्यू और डी का वैल्यू अगर जीरो होगा, सॉरी बराबर होगा, तो ग्रोथ रेट हो जाएगा जीरो. अगर म्यू की वैल्यू डी की वैल्यू से ज्यादा होगा उस टाइम पे ग्रोथ रेट होगा पॉजिटिव, और अगर म्यू की वैल्यू डी से कम होगा उस टाइम पे ग्रोथ रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. अब जब ग्रोथ रेट पॉजिटिव है मतलब मीडिया जल्दी खत्म हो जाएगा, ग्रोथ रेट निगेटिव है इसका मतलब जितना मीडिया तुम डाल रहे हो माइक्रोब्स उसको यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे. तो ये सब चीज भी तुम लोग फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. समझ में आ रहा बात? ये सब चीजें भी फॉर्मूला से क्या की जा सकती, कैलकुलेट की जा सकती. सर डी जो है डाइल्यूशन रेट है. हाँ
तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा कितना डाइल्यूशन हम लोग रखें कि हम लोग का ग्रोथ रेट मैक्सिमम ही रहे। तो जो डाइल्यूशन रेट जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम लोग डीसी पे मेंटेन करके रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल रेट। क्रिटिकल रेट से डाइल्यूशन रेट ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग डीसी की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, एकदम आराम से निकाल सकते हैं। डीसी की वैल्यू भी सेम वही फॉर्मूला आएगा, म्यू एक्स इंटू एक्स अपॉन में के एस प्लस एस। तो लिख लेना, टू अचीव स्टेडी स्टेट कंडीशन, टू अचीव स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ डाइल्यूशन रेट do not exceed then critical rate। क्रिटिकल रेट को डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एक्स इंटू एस अपॉन में के एस प्लस एस, एस अपॉन में के एस प्लस एस। तो हम लोग डीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और डीसी का वैल्यू जब हमको पता चलेगा तो हम लोग उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है तुम्हारे ग्रोथ कर्व के कुछ इक्वेशन, इतना सा बात है बस। तो इतने सारे फॉर्मूला को देख के तुम लोग को कुछ चीजें तो समझ में आ गई होगी, क्या क्या चीज समझ में आ गया है। तो जो जो चीज है उसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल छोटे छोटे वो चीज में लिखते रहा पॉइंट में, तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं, तुम लोग को समझने का जरूरत। पहला चीज, मान लो बैच कल्चर कर रहे हो। बैच कल्चर का मतलब क्या होता है, एक बार फर्मेंटर के अंदर जितना मीडिया चाहिए उतना भर दो और उसके बाद उसको बंद कर दो। तो यहाँ पे मीडिया है, यहाँ पे सेल्स है। अब मीडिया और सेल है तो यहाँ पे तुमको ग्रोथ मिलेगा। अब यहाँ पे देखो तीन फेज आ सकता है, लैग, लॉग और स्टेशनरी। लैग फेज के दौरान ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा था, लॉग फेज के दौरान इंक्रीज हो रहा। तो लॉग फेज के दौरान जो ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है वो निकल के आता है dx upon dt equals to mu x। ये बैच कल्चर के लिए भी ये वाला फॉर्मूला जो है उसको लगा सकते हो तुम लोग। और स्टेशनरी फेज में तुमको पता है कि ग्रोथ रेट जो होता है वो होता है जीरो बैच कल्चर में। उसके अलावा तुमने ये देखा था कि dx upon dt equals to mu x को तुम क्या लिख सकते हो, अगर इसका ln x is equals to mu t plus ln x0, ये भी लिख सकते थे, या तो ये भी लिख सकते थे x is equals to x0 e के पावर में mu t। अगर डबलिंग टाइम निकालना होता था तो इसी फॉर्मूला से निकल जाता था, 2 is equals to e के पावर में mu t, डबलिंग टाइम के लिए फॉर्मूला था ये, या फिर डबलिंग रेट के लिए फॉर्मूला था। डबलिंग रेट ही लिखो ज्यादा अच्छा। तो ये चीज हो जाता है तुम्हारा पूरा का पूरा लॉग फेज के लिए, इतना सारा चीज। फिर दूसरा चीज क्या है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का प्रभाव ये पड़ेगा
जो ग्रोथ रेट तुमको देखने को मिल रहा है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा। किन किन चीजों पे? एक तो म्यू मैक्स के ऊपर और दूसरा के एस के ऊपर। इनके ऊपर क्या देखने को मिलेगा तुमको? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर म्यू एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन है ये बैच कल्चर में। जबकि वहीं पे कंटिन्यूअस कल्चर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस कल्चर में क्या देखने को मिलेगा? डीएक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू म्यू एक्स तो रहेगा, लेकिन हम लोग को पता है कि बार बार हम लोग मीडियम उसमें इंजेक्ट करते रहते हैं तो डाइल्यूशन होता जाएगा। अब अगर तुम मीडिया के साथ साथ माइक्रोब इंजेक्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो डाइल्यूशन की वजह से क्या होता जाएगा? तुम्हारा ग्रोथ रेट कम होता जाएगा। तो ये लॉग फेज के दौरान तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? कहानी निकल के आ जाएगा। दूसरी बात कि डाइल्यूशन कितना करें हम लोग, तो क्रिटिकल डाइल्यूशन का रेट तुम निकाल सकते हो कैसे? म्यू मैक्स अपॉन में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में के एस प्लस एस। बस इतना सा बात तुमको पता रहेगा तो तुम्हारा मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो है ग्रोथ कर्व का वो निकल जाएगा। बस तुमको थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, थोड़ा बहुत रीजनिंग यूज करने आना चाहिए। और नेक्स्ट नंबर ऑफ सेल्स, तो उसके लिए तो तुमको पता चल ही गया फॉर्मूला, आई इंटू टू टू द पावर में एन। आई मतलब इनिशियल नंबर ऑफ सेल, एन का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन। तुमको पता चल जाएगा उतने डिवीजन के बाद कितने सेल्स बनेंगे। तो ये इतना सारा फॉर्मूला है जो कि यूज किया जा सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड फ्रॉम द ग्रोथ कर्व इक्वेशन। अब ये सेल बायोलॉजी का भी पोर्शन था, यहाँ का भी पोर्शन था, यहाँ पे निपट गए। सेल बायोलॉजी में भी देखेंगे अगर टाइम मिला तो, वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, नहीं तो इतना काफी है तुम्हारे लिए। ठीक, चाहोगे तो वो वाला पीडीएफ मैं भेज भी दे रहा हूँ, भेज दूंगा, अभी तो नहीं। चलेगा नहीं, तो एक काम करो तुम लोग, तब तक कुछ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखते चलो, इसको खुलने दो। तो कुछ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखते हैं हम। जैसे कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको पैक्टिनेज प्रोड्यूस करना जो पैक्टीन को डिग्रेड करता है, तो उसके लिए तुम एस्परजिलस वेंटी को यूज कर सकते हो। पैक्टिनेज के लिए सेल्यूलेज प्रोड्यूस करने के लिए तुम यहाँ पे ट्राइकोडर्मा विरेडी को यूज कर सकते हैं।
सेल्यूलोज के बाद अल्फा एमाइलेज प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे तुम चाहो तो बेसिलस सबटिलिस को यूज कर सकते हो। अल्फा एमाइलेज के बाद कैटालेज को प्रोड्यूस करने के लिए तुम यहाँ पे माइक्रोकोकस बैक्टीरिया को यूज कर सकते हो। एंजाइम के अलावा अगर तुम ये चाह रहे हो कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करो तो एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए तुम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं हम लोग। मान लो एंटीबायोटिक्स में हम लोग प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं टेट्रासाइक्लिन को। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज को यूज कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, देखो स्पेलिंग गलत हो सकता है, पेनिसिलिन को और एम्पीसिलिन को प्रोड्यूस करने के लिए तुम सेम माइक्रोब यूज कर सकते हो जिसका नाम है पेनिसिलम क्राइसोजेनम। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करने के लिए तुम स्ट्रेप्टोमाइसिस का स्पीसीज यूज कर सर सकते हो। पेनिसिलिन क्या लिखे हैं? क्या क्राइसोजेनम? पेनिसिलम के बाद क्या लिखे हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस और उसके बाद रिफामसिन को प्रोड्यूस करने के लिए तुम एमाइकोला प्लोटोसिस को यूज कर सकते हैं। एमाइकोला प्टोसिस और यहीं पे तुम एंटीऑक्सीडेंट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड सर और एक के बाद क्या लिखे है रिफामाइसिन एमाइकोलाप्टोसिस AMY। दिस आर सम इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट माइक्रोब विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स।
सर एस्परजिलस नाइगर होगा ना। ये हो गया इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ चीज़ें, उनका ग्रोथ रेट कर्व और कुछ इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, वो है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज करके कंटामिनेंट्स को रिमूव कर दें एनवायरनमेंट से, तो उसको कहा जाता है बायो रेमेडिएशन। तो लिख लेना इसका मतलब, यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव द कंटामिनेंट्स, टू रिमूव द कंटामिनेंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग बायो रेमेडिएशन। अब ये दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है इन सीटू और एक हो सकता है एक्स सीटू। तो पहले आ जाओ इन सीटू बायो रेमेडिएशन का मतलब। इन सीटू बायो रेमेडिएशन का मतलब है कि जहां पे कंटामिनेंट्स है वहीं पे तुमको बायो रेमेडिएशन करना। तो लिख लेना इन सीटू बायो रेमेडिएशन का मतलब रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स वेयर इट इज प्रेजेंट, वेयर इट इज प्रेजेंट, वेयर इट इज प्रेजेंट। वहीं पे एक्स सी टू में आ जाना और एक्स सी टू में लिखना कंटामिनेंट आर रिमूव्ड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन, कंटामिनेंट आर रिमूव्ड away from site of origin, away from site of origin। away from site of origin। अब बायोरेमेडिएशन कैसे किया जा सकता है, तो कुछ माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास पुटीडा का।
जिसको सुपर बग भी कहा जाता है, इसको क्रिएट किया गया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, स्यूडोमोनास स्पीसीज का बैक्टीरिया लिया जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था डीएनए, उन्होंने इसके अंदर एक प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने इसके अंदर एक प्लाज्मिड इंसर्ट करवाया और ये प्लाज्मिड कुछ ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता था जो कि तीन प्लाज्मिड का फ्यूजन था ना, ये तीन अलग अलग प्लाज्मिड का फ्यूजन था और ये बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड की वजह से इट कैन डिग्रेड टॉलुइन, PHB, PHA, डीजल, पेट्रोल, बेंजीन, इतनी सारी चीजों को वो क्या कर सकता था, डिग्रेड कर सकता था। क्यों डिग्रेड कर सकता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा प्लाज्मिड था जिससे ऐसे एंजाइम्स बनते थे जिसके कारण इन केमिकल्स को डिग्रेड कर दिया जाता था। अभी भी हम लोग चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं पे पेट्रोल डीजल का कंटामिनेशन है वहां पे इसको यूज किया जा सकता है। कहे तो बहुत सारे केमिकल्स जो दिख रहे हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट करना है तो भी तुम क्या कर सकते हो, इसका यूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हो। सर PHB ये क्या है? PHA और PHB केमिकल्स के नेम हैं। तो स्यूडोमोनास का यूज कर सकते हैं हम, स्यूडोमोनास के अलावा कंपाइलोबैक्टर का भी यूज कर सकते हैं। कंपाइलो बैक्टर, कंपाइलो बैक्टर क्या होता है, तो कंपाइलो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बायोफिल्म को, और ये बायोफिल्म बनते हैं किससे, तो दे आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जिन लोग अभी तक बिना ब्रश किए हुए बैठे हो उन लोगों के दांतों के ऊपर बायोफिल्म प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो माउथ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, रात भर अगर तुम्हारे माउथ में अगर कोई फूड पार्टिकल फंसा हुआ है तो उसको डिग्रेड करते हैं और डिग्रेड करने के बाद बायोफिल्म प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण सुबह सुबह दांत के ऊपर एक लेयर बन जाती है व्हाइट व्हाइट कलर की, वो बायोफिल्म है। अगर उस बायोफिल्म को लंबे टाइम तक छोड़ दिया जाए ना तो बहुत हार्ड परत में कन्वर्ट हो जाता है, और उस हार्ड परत को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लाक, हाँ प्लाक कहा जाता है। और वो प्लाक जो होता है इतना सॉलिड होता है कि उसपे फिर तुम उसको एसिड से भी ट्रीट करो तो भी उसके अंदर तक एसिड नहीं जाएगा और माइक्रोब सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो बायोफिल्म ही है जो कि बना हुआ होता है शुगर का। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो ये जो बायोफिल्म होता है ना, बायोफिल्म कंटामिनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो लिख लेना बायोफिल्म कैन एब्जॉर्ब कंटामिनेंट्स, बायोफिल्म कैन एब्जॉर्ब कंटामिनेंट्स फ्रॉम वाटर बॉडी और फ्रॉम वाटर बॉडी और सैंपल्स, तो वाटर के बायोरेमेडिएशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं हम लोग।
वाटर के सैंपल से, या फिर अगर नहीं सर, बायोफिल्म कैन बी अब्सॉर्ब कंटामिनेट, उसके आगे कंटामिनेट फ्रॉम वाटर बॉडी और सैंपल। ये हो गया तुम्हारे बायो रेमेडिएशन की बात। बहुत सारे माइक्रोब्स यूज किए जा सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स ये हैं। तो सर एनिमल में नहीं बनता होगा? एनिमल में नहीं बनता होगा मतलब सर जैसे गाय बकरी लोग थोड़ी बरस करते हैं, लंग में दांत भी तो कितना होता है। और उनका जीभ भी बड़ा होता है, लंग साफ कर लेते हैं रगड़ रगड़ के। मतलब तुम ही वो इंसान हो जो अभी तक ब्रश नहीं किया। चलो ठीक, ये हो गया बायो रेमेडिएशन की बात। अब आते हैं फाइटो रेमेडिएशन के ऊपर। फाइटोरेमेडिएशन का मतलब क्या है? प्लांट का यूज करके बायो रेमेडिएशन करना। तो रेमेडिएशन यूजिंग प्लांट इज नोन एज फाइटोरेमेडिएशन। तो रेमेडिएशन यूजिंग प्लांट इज नोन एज फाइटोरेमेडिएशन। कई सारे तरीके हैं जिससे तुम रेमेडिएशन कर सकते हो। उसमें पहला तरीका है फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो एक्सट्रैक्शन में लिखना, सम प्लांट्स हैव नेचुरल टेंडेंसी, सम प्लांट्स हैव नेचुरल टेंडेंसी टू एक्सट्रैक्ट, natural tendency to extract contaminants from the soil, contaminants from soil by its roots, by its root. Some plants have natural tendency, some plants have natural tendency to extract contaminants from soil by their roots. By their roots. Example के लिए लिख सकते हो sunflower. और sunflower का साइंटिफिक नेम होता है हेलेंथस एनस। सनफ्लावर लिख लेना, इट एक्सट्रैक्ट्स आर्सेनिक फ्रॉम सॉइल, आर्सेनिक फ्रॉम सॉइल, एक्सट्रैक्ट आर्सेनिक। दूसरा प्लांट है थैलेप्सी। थैलेप्सी जो होता है वो कैडमियम एंड जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकता है सॉइल सैंपल से। और एक होता है सरसों, ब्रेसिका। सर क्या बोले, टेलेडम क्या? कैडमियम एंड जिंक। नहीं 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 सर, ये प्लांट का नाम हेलेंथस के बाद थैलेप्सी। उसके बाद ब्रेसिका, जिसको सरसों भी कहा जाता है, ये लेड को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो दिस इज फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर मान लो सॉइल में हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा है, तो ऐसे प्लांट्स को ग्रो कर दो जो इस हैवी मेटल को नेचुरली क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है।
और एब्जॉर्ब करके प्लांट के अंदर ये चले जाएगा, फिर प्लांट को उखाड़ के तुम यहाँ से फेंक सकते हो, जिसके कारण मिट्टी में से कंटामिनेंट यानी कि हैवी मेटल्स का अमाउंट कम हो जाएगा। इसी को कहा जाता है फाइट एक्सट्रैक्शन। ठीक, दूसरा आ जाना फाइटो स्टिमुलेशन। फाइटो स्टिमुलेशन फाइटो स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? स्टिमुलेशन, प्लांट क्या करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे जो सोइल के बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर देंगे, और फिर सोइल के बैक्टीरिया पोल्यूटेंट्स को नॉन पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिखना, फाइटो स्टिमुलेशन में प्लांट रूट रिलीज सम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट स्टिमुलेट्स सोइल बैक्टीरिया दैट स्टिमुलेट्स सोइल बैक्टीरिया टू रिमूव कंटामिनेंट्स दैट स्टिमुलेट्स सोइल बैक्टीरिया टू रिमूव कंटामिनेंट्स। ये हो गया तुम्हारा फाइटो स्टिमुलेशन। फाइटो स्टिमुलेशन के बाद हम लोग का आता है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? प्लांट खुद कंटामिनेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो लिख लेना, प्लांट इटसेल्फ कन्वर्ट टॉक्सिक कंटामिनेंट्स इंटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म। तो प्लांट यहां पे क्या कर रहे हैं, प्लांट खुद टॉक्सिक कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। तो दिस इज फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट है फाइटो एस्टेब्लिश फाइटो स्टेबलाइजेशन। फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है? कि प्लांट का जो रूट का नेटवर्क होता है ना, प्लांट के नीचे रूट है और रूट बहुत बड़ा नेटवर्क बना के रखा हुआ होता है, तो ये रूट का नेटवर्क क्या कर सकता है, कंटामिनेंट्स को पकड़ के रख सकता है, ताकि कंटामिनेंट्स वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट ना हो जाए। तो इस चीज को तुम लोग लिख सकते हो, प्लांट्स हैव एक्सटेंसिव रूट नेटवर्क। प्लांट्स हैव एक्सटेंसिव रूट नेटवर्क प्लांट्स हैव एक्सटेंसिव रूट नेटवर्क दैट होल्ड्स और स्टेबलाइजेस कंटामिनेंट्स टू मूव। तो प्लांट का रूट नेटवर्क कंटामिनेंट्स को पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा, एक ही जगह पे स्टेब्लिश कर लेगा, ताकि तुम्हारा कंटामिनेंट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ना कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाना राइजोफिल्ट्रेशन। राइजोफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? तू वही प्लांट का क्या होता है, एक राइजोस्फीयर होता है, मतलब कि प्लांट का रूट का नेटवर्क है। मान लो ये सोइल का सरफेस है,
और सोइल के सरफेस के नीचे प्लांट के रूट का क्या है, एक नेटवर्क बना हुआ, रेनफॉल हुआ, और रेनफॉल के बाद जब पानी गिरा तो पहली बात तो पानी क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, उसके साथ साथ पानी के साथ साथ कंटामिनेंट्स भी नीचे मूव कर सकते हैं, और नीचे पता है तुमको वाटर बॉडी प्रेजेंट होता है, और वाटर बॉडी में ही पानी स्टोर होता है जो पीने के लायक पानी है, और जब कंटामिनेंट्स रेन वाटर के साथ मूव करके वाटर बॉडी में मिल जाएंगे तो वाटर बॉडी भी कंटामिनेंट हो जाएगी और पीने का पानी नहीं रहेगा। तो राइजो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जब रेन का वाटर क्या हो रहा होता है, नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, तो प्लांट का रूट जो होता है वो पानी में से कंटामिनेंट्स को फिल्टर कर देता है ताकि वाटर बॉडी कंटामिनेंट ना हो जाए। तो लिख लेना, प्लांट एक्सटेंसिव रूट नेटवर्क फिल्टर द कंटामिनेंट्स सो अंडरग्राउंड वाटर बॉडी विल नॉट कंटामिनेट। ये पांच तरीके हैं जिसके थ्रू प्लांट भी रेमेडिएशन में हेल्प कर सकते हैं, और भी ज्यादा तरीके हैं लेकिन ये पांच इंपॉर्टेंट तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, फाइटो एक्सट्रैक्शन, प्लांट खुद क्या करेंगे, पॉल्यूटेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सॉइल से। उसके बाद फाइटो स्टिमुलेशन, प्लांट्स कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे जिसके कारण वहां पे माइक्रोब्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो पॉल्यूटेंट्स को ट्रीट कर देंगे। उसके बाद फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब प्लांट खुद कंटामिनेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। उसके बाद फाइटो स्टेबलाइजेशन, मतलब प्लांट का जो रूट का नेटवर्क है वो कंटामिनेंट्स को होल्ड कर लेगा ताकि वो कहीं फ्लो ना हो पाए। और राइजो फिल्ट्रेशन, पानी के साथ साथ कंटामिनेंट्स नीचे जाके वाटर बॉडी को कंटामिनेट ना कर दे तो तुम्हारे प्लांट के रूट वाटर को फिल्टर करके नीचे भेजते हैं। ये हो गया तुम्हारा एक और तरीका। जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो सकता है, बायो रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन हो गया ये चीज। अब ये तो हो गया हमारे चीजों के बारे में, रेमेडिएशन के बारे में। बस इतना ही करते हैं, बाकी कल कर लेंगे तुम तो।